14 जून को विश्व रक्तदान दिवस होता है और साथ ही इस दिन डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेनर का जन्मदिन भी होता है, जो एक मशहूर ऑस्ट्रियन अमेरिकन फिजिशियन थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप के एबीओ सिस्टम की खोज की थी। रक्तदान के बारे में बात करने से पहले रक्तवाही प्रणाली के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। नैसर्गिक रूप से इंसानी शरीर में दो तरह की रक्तवाही प्रणालियां होती हैं, वो है पल्मोनरी संचालन और सिस्टमैटिक संचालन। ये दोनों संचालन प्रणालियां दिल में मिलती हैं। दिल के दो हिस्से होते हैं, दायां हिस्सा और बायां हिस्सा। दिल के दोनों हिस्सों में दो चेंबर्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी संचालन में शरीर के बाकी हिस्सों से आया खून जमा होता है, जो ऑक्सीजन रहित या अशुद्ध खून होता है, जो मुख्यतः नसों द्वारा पहुंचता है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। एक बार ये अशुद्ध खून दिल के दाएं हिस्से में पहुंचने के बाद यह खून पल्मोनरी संचालन के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करता है। फेफड़ों में इस ऑक्सीजन रहित या अशुद्ध खून को शुद्ध रक्त में रूपांतरित किया जाता है। फिर ये शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त खून पल्मोनरी नसों के द्वारा दिल के बाएं हिस्से में ले जाया जाता है। एक बार खून लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वो आगे बाएं वेंट्रिकल में प्रवेश करता है और यहाँ ये शुद्ध खून अब पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है।